सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली सब बढ़िया होंगे और आनंदित महसूस कर रहे होंगे अभिमन्यु आईएएस के इस लेक्चर के साथ। बिकॉज ये एक ऐसी सीरीज है ना जो आपको ये अंतर दिखाएगी कि जो आने वाले पेपर आए हैं वो कैसे आ सकते हैं आपके पास। बिकॉज ये जो 2015 से हमने सीरीज शुरू की है, देखो टॉप 5 वाली सीरीज तो भाई अपनी चली रही है, ठीक है। उससे अलग क्या कर रहे हैं? उससे अलग हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने भी इसी मंथ करने स्टार्ट किए। तो होपफुली ये करो और इनको एंजॉय करो, क्लियर। रीजन क्या है, मैं एंजॉय वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज अगर आप बर्डन की तरह यूज करोगे ना तो हमेशा ही आपको एक ऐसे मोड पे लाके खड़े कर देंगे क्वेश्चन, वहां से आपको डेड एंड दिखेगा और आपको ये लगने लगेगा यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे करूंगा या करूंगी। तो एंजॉय करोगे तो फिर समझ भी आएंगे और करना भी है, क्लियर। अब जैसे आप ट्रेंड चेंज हो रहा है, कैसे आपको पता चलेगा, हाउ विल यू डू इट, आप कैसे इन चीजों को समझना शुरू करेंगे, कैसे करना शुरू करेंगे, मैं बताता हूं। एक एक चीज एक एक बहुत अच्छे से बताऊंगा तो ध्यान से सुनेगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, क्लियर। देखिए सी सेट, इसीलिए सी सेट का एक अर्ली बैच शुरू किया हुआ है हमने, ठीक है। ये हफ्ते में 4 दिन है, टाइमिंग है इसकी 3 से लेकर 4:30 बजे, ठीक है। टाइमिंग है इसकी 3 से लेकर 4:30 बजे डेली की, ठीक है। और ये बेसिकली मंडे ऑल्टरनेट रहता है आपका, ठीक है। मंडे 4 डेज वीक है आपके पास, टोटल इसमें 180+ लेक्चर्स हैं, ठीक है। 180+ लेक्चर्स बहुत होते हैं और जहां पे एक लेक्चर कम से कम 1 से 1.25 घंटे 1.5 घंटे का तो है, क्लियर। अब इसके अंदर देखो ये 90 एक्चुअली ये क्या है आपके पास, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ये दोनों मोड में अवेलेबल है। मतलब आप ऑनलाइन भी लगाना चाहें तो ऑनलाइन लगा सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन ही हमारे सेंटर आना चाहें तो यहां भी आ सकते हैं, ठीक है जी। इसमें 90 जो लेक्चर्स हैं वो आपको लाइव मिल रहे हैं, मतलब मेरे साथ 90 लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। 50 जिसमें क्वांट एप्टीट्यूड, 50 मेरे साथ मिलेंगे, 25 आपको लॉजिकल रीजनिंग मिलेंगे और 15 लेक्चर्स आपको किसके मिलने वाले बेटा, 15 आपको मिलने वाले इंग्लिश के। अब इसके अंदर प्रीवियस ईयर लेक्चर कितने मिलने वाले हैं, 15। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने वाले हैं, 50+। लाइव मेंटरशिप सेशन कितने मिलने वाले हैं, 30+। तो टोटल कितने होंगे, 180+ लेक्चर्स। तो दीज आर सम की फीचर्स। थोड़ा सा गला खराब है तो माफी चाहूंगा इसके लिए। देखिए अब इसके अंदर जो मेरा लाइव बैच चल रहा है इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं लाइव कोर्स के, मैं बता दूं आपको। देखो सबसे पहले जो आपका लाइव बैच चलेगा ना उसमें वीकली शेड्यूल आएगा आपके पास, वीकली शेड्यूल आपका पहले आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी क्लासें आनी है आपकी। आपका वीकली टेस्ट भी होता है संडे को, जो हमने पूरे हफ्ते में किया है उसका एक वीकली टेस्ट होता है जो आपका कब होता है, आपका संडे को होता है, मंडे की उसकी डिस्कशन होती है सबसे पहले, ठीक है। वीकली शेड्यूल आ गया। अब नंबर एक पे सुनो, जो आपने क्लास पोर्टल में देखी उसके अंदर क्या है, सबसे पहली आपकी होगी लेक्चर पीडीएफ। क्या होगा आपके पास, लेक्चर की पीडीएफ उसके अंदर लगी होगी साथ में, ठीक है। प्लस रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज के साथ प्लस क्या होगा आपके पास, एक प्रैक्टिस शीट होगी। अब इस प्रैक्टिस शीट में क्या होगा मेरे पास, अब इस प्रैक्टिस शीट में क्या होगा मेरे पास, ध्यान से सुनो। ये वाला जो 4:30 का टाइम है, 4:30 से लेकर 5 बजे यानी डेली का आधा घंटा, यानी हर लेक्चर का, डेली का मतलब हर लेक्चर का आधा घंटा, ये 30 मिनट जो मिल रहे हैं ना आपको, ये बेटा मिल रहे हैं आपकी प्रैक्टिस शीट, इसके क्वेश्चन या सॉल्यूशंस को डिस्कस करने के लिए, क्लियर। तो ये बहुत डेडिकेटेड बैच है सी सेट के लिए, प्लीज इनरोल कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दूसरी बात, हल्की सी भी कोई भी नॉलेज हमें पता चलती है सी सेट से रिलेटेड या कोई नए क्वेश्चन बनते हैं तो उसका सेरा सारा का सारा डेटा ना वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है, क्लियर। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। चलिए जी आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हम कितने डेडिकेटेड लेवल पे आपको सीसेट की तैयारी करवाने में लगे हुए। चलिए, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी सेकंड्स विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। देखो अगर मैं बात करूं, ये पर्सन खड़ा है, ये ट्रेन है, ट्रेन आई, ट्रेन ने इस पर्सन को क्रॉस कर दिया, तो आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना होगा, जितना उसकी लेंथ। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस है 200,
स्पीड कितनी मेरे पास बेटा 40 किलोमीटर पर आवर यानी 5/18 इनटू टाइम, तो ये कितने टाइम गया, 4 × 5=200, तो टाइम कितना आ गया ऑप्शन नंबर 18 सेकंड। आसान से क्वेश्चन ने स्वागत किया आज हमारा, कोई भी ऐसा नहीं था कि इसमें ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जी, जो डर है नंबर सिस्टम उसी का क्वेश्चन है ये 2018 का। क्या दिया है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 digits ऑफ विच द मिडल वन इज 0। मतलब उसने क्या बोला है, कोई नंबर है मेरे पास 3 digit का जिसका मिडल नंबर 0 है मेरे पास, एंड देयर सम इज 4 एंड उसका सम 4 है। चलो इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एंड इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर द नंबर इटसेल्फ बाय 9198 देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, मुझे तो नंबर ही पता चल चुका, वो होता है फीलिंग आ जाती है कि ये आएगा। देखो सबसे पहले नंबर देखो भाई, अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई नंबर है एक्स वाई जेड, इसकी रिप देखो, इसको जेड बोलता हूं मैं यूनिट डिजिट, वाई बोलता हूं 10th digit और एक्स मैं बोलता हूं मेरा 100th digit। ये समझो पहले इसकी फॉर्मेशन कैसे हो, ठीक है। अगर एक्स की मैं बात करूं इसे लिखूंगा मैं 100x क्योंकि 100th digit है, वाई को लिखूंगा 10y बिकॉज 10th digit है, और जेड को मैं लिखूंगा लास्ट डिजिट जो मेरी यूनिट डिजिट है। क्लियर, वो ये कह रहा है इसको पलट दो, इसको पलटने में क्या आएगा जेड बाई एक्स, यानी मेरे पास आएगा 100z + 10y + x। ये समझो सबसे पहले, ये जो छोटी सी मैंने बात बताई इसको समझना बहुत जरूरी है भाई। क्लियर, मैंने आपको दो तरीके बताए, मतलब दो फॉर्मेशन बताई अलग अलग नंबर और उसकी रिपीटेशन की। क्लियर, अब देखो वो कह रहे हैं मिडल का नंबर 0 है तो इसको तो हटा दो, इसको वैसे भी जब आप लोग माइनस करो ना 3 digit के केस में तो बीच वाला नंबर कॉमन है वो माइनस होना ही होना है। करके देख लो, चाहे मैं करके दिखाऊं, मतलब एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स, कईयों को भरोसा नहीं होता कि ये कैसे कर दिया आपने, तो चलो करके देख ले भाई, 100x + 10y + z - 100z + 10y + x। ये आया, मैंने अभी आपको बताया था कि काट दो, बट अगर नहीं समझ आया तो आप यहां से भी देख सकते हैं इसे, इट विल बिकम 100x + 10y + z - इसको ब्रैकेट को खोलना है मुझे, 100z - 10y - x। क्लियर, देखो ये 10y से 10y कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 100x - x 99x -z - 100y, तो 99z। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कितना दिया 198। अब मेरे पास ये क्या हो गया x - z = कितना 198, तो x - z कितना आ गया मेरे पास, क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट। देखो इस 4 का ना कोई यूज हुआ, सोचे देखो, आ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 digits ऑफ विच मिडल वन इज 0 एंड देयर सम इज 4, तो यूज नहीं हुआ तो मत करो, क्या दिक्कत है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए से आगे चलते हैं। हाँ वो नंबर पूछता तो इसका मैं जरूर आपको बताता कि क्या यूज था, नंबर पूछा है तो मुझे जितना पूछा मैं उतना ही बता रहा हूं आपको। चलो आप एक काम करो, आप ना थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ना लिखना नंबर क्या है, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बड़ा लंबा क्वेश्चन जाने वाला है। क्या दिया क्वेश्चन, व्हाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 to 1000 हाउ मेनी नंबर्स अकर इन विच द डिजिट एट 100th place इज ग्रेटर देन डिजिट एट 10th place। देखो अगर मैं बात करूं ए बी सी कोई नंबर है, ये मेरा यूनिट है, ये मेरा 10th है, और ये मेरा क्या है 100th place, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स अकर इन विच डिजिट एट 100th place इज ग्रेटर देन डिजिट एट 10th place, इसका मतलब
ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए एंड द डिजिट एट 10th प्लेस ग्रेटर देन डिजिट बाय यूनिट प्लेस, यानी बी ग्रेटर देन मेरे पास सी होना चाहिए, यानी ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी। ये मुझे कंडीशन दिया, थोड़ा याद रखिएगा। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा 700 से 800 की, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या होगा, क्या 710 होगा, यही होगा। ध्यान से समझना, देखो नेक्स्ट क्या होगा 720 और 721, फिर कितना होगा 730, 740। पहले मैं ये रेंज लिख लूं जरा, चलो बता ही देता हूं, 731, 732, 740, 741, 42 और 43, ठीक है। 750, 152, 53, 54, 7 नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको, साथ में ही है वो। 760, 761, 62, 63, 64 एंड 65, ठीक है। तो यहां से मुझे कितने नंबर मिले, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी इस केस में कितने मिले मुझे, 21 नंबर, क्लियर, 21 मिल गए। ध्यान रखिएगा पहले केस में कितने मिल गए, 21। अब 800 से 900 की बात करते हैं जरा, इसी तरीके से पहले 810 लिखूं, फिर 820 लिखूंगा, यहां से एक आएगा, यहां से दो आएगा, देखिए, ठीक है, 830 लिखूंगा, यहां से तीन आएंगे, 840 लिखूंगा, 41, 42, 43, तीन, यानी कि टोटल चार आ गए, 850, पांच आएंगे, 860, छह आएंगे, 870, सात आएंगे। होपफुली ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है ये पूरा जब यहां फॉलो कराओगे ना, अब यहां पे सात कैसे आएंगे, 871, 72, 73, 74, 75 एंड 76, क्लियर। 7, 6, 13, 5, 18, 4, 22, 22 और 28 आ गए यहां से, ठीक है। लास्ट वन कौन सा बचा मेरे पास, अब मेरे पास बच गया भाई 900 से 1000, यानी सॉरी 801 से ले लो इसको, तो 901 से 1000, ये आप खुद बता पाओगे मुझे। देखो पहले 910 हो गया, यहां से एक, 920, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 2, 3, 6, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 और 7, 28, देखो जरा क्या इतने ही आ रहे हैं, देखो 8, 7, 15, 5, 20, 21, 21 और 5, 26, ठीक है। तो ये टोटल मेरे पास कितने आ रहा है मुझे ये चेक करना फटाफट, हाँ जी ठीक है, तो 8 तो 36 आ गए, ये एक बार फिर चेक कर लूं, 8, 7, 15, 21, 26 तो 36 आ गए, तो बेटा कितना हुआ मेरे पास, 36 और 28, 3, 2, 5, 8, 64 और 21, 85 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली भी, क्लियर। तो होपफुली मैंने पूरा डिटेल में बताया, आपको समझ आया होगा और आपने करा भी हो, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं मैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। चलिए भाई, अ स्टूडेंट हैड टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, सपोज ही गेट 30% मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स। देखो तो वो कह रहा है ये मेरे 0 मार्क्स है, ये मेरे 100% मार्क्स है, उसको चाहिए 40% मार्क्स, ठीक है। सपोज ही गेट 30 मार्क्स, सपोज करो उसके 30 मार्क्स आए और वो क्या कह रहा है एंड फेल बाय 30 मार्क्स, और 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां से यहां तक 60 मार्क्स चाहिए, यानी 40% की वैल्यू मैं कितनी कह सकता हूं, 60 बोल सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन, तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी आई, 6/4 यानी कितना 1.5, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 150। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट सर, क्लियर। सो प्लीज बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, नोट कर ले फटाफट इसको। चलिए स्टूडेंट क्या दिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी, ऑफ दिस 11 आर वेयरिंग हॉकी शर्ट्स एंड 14 आर वेयरिंग हॉकी पैंट्स। मतलब टोटल मेरे पास 19 बॉयज हैं, ठीक है। अच्छा, 11 ने क्या किया, हॉकी शर्ट्स पहनी है और 14 ने हॉकी पैंट्स पहनी है। देर इज नो बॉय विदाउट शर्ट और पैंट्स, वट इज द नंबर ऑफ बॉयज वेयरिंग फुल यूनिफॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरे पास एक ना फॉर्मूला होता है, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ ए यूनियन बी। अब यूनियन क्या होता है, देखो ये मेरे पास क्या है, कॉमन पार्ट को बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं, ये चीज, ठीक है जी, ये हो गया मेरा एन ऑफ ए, यानी अगर मैं बात करूं 11 आर वेयरिंग हॉकी शर्ट्स, ये 11 हो गया। अच्छा 14 आर पैंट्स, मुझे ये निकालना टोटल मुझे कितना दिया है, 19, तो ये कितना हो गया, 11 प्लस 14 माइनस ऑफ 19, तो 25 माइनस 19 कितना हो गया। तो सिंपल सा वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो डायग्राम के सारे कर लो या जैसे मर्जी कर लो, एक्स उस लेग से मत करना प्लीज, ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछा, कॉमन पार्ट आपसे पूछा हो भाई, जिसने शर्ट और पैंट दोनों पहने प्लीज। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, 2018 से ये कुछ चुनिंदा बढ़िया प्रश्न थे, पार्ट वन था, पार्ट टू भी करेंगे जल्दी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेस। ये क्या है, बट ये एक नई टेक्निक है जल्दी से सिलेबस को कवर करने की। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना है, सपोज करो मुझे नंबर सिस्टम करना है, या मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, डी आई या रीजनिंग या कॉम्प्रीहेंशन मुझे करना है, और मुझे सिर्फ वही करना है पर्टिकुलरली, पहले मैं उस पार्ट को खत्म करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ जो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी को खत्म करेंगे कैसे, अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज के सहारे। अब ये क्या है, इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, मैं पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ, एक छोटी छोटी चीज, क्लियर। चलिए आप जाएंगे चूज एग्जाम में बेटा, यहां चूज करेंगे सी सेट। देखिए सब्सक्रिप्शंस, ऑल वीडियो कोर्सेज या टेस्ट कोर्सेज, और ये हमारे माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए तो टीम अपने आप जुड़ेगी, मेरे पास अपने आप ईमेल आएगा, कॉल में, व्हाट्सएप जैसे। और ये देखिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, यहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करो, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी की बात करें, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी जिसका सबसे हार्ड पार्ट आज के टाइम में नंबर सिस्टम माना जा रहा है, देखिए चलते हैं उसकी तरफ। अब पूरा जो आपके पास बंडल है 3369 के, बट मैं कह रहा हूं अगर आपको सिर्फ नंबर सिस्टम करना है, जहां से 20 के अराउंड क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, तो आप सिर्फ वो भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 324 का स्टूडेंट्स 10 लेक्चर्स हैं, कोई भी लेक्चर एक सवा घंटे से कम का नहीं है, तो ऑलमोस्ट आपके 10 से 15 घंटे का ये सेशन बैठ रहा है, ठीक है। नो वेब नोट्स है, ये वेब नोट्स क्या है, वेब नोट्स आपके थ्रेटिकल पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, और इसके अंदर 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे, कि आपके पास ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हो या उससे रिलेटेड है। अब इन क्वेश्चन को आप टेस्ट के तौर पर भी दे सकते हैं, 15-20-25 क्वेश्चन का मल्टीपल बनाइए, अलग से सजाइए और इनका बढ़िया से टेस्ट दीजिए, क्लियर। ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन 16%, 15-16% परमुटेशन कॉम्बिनेशन जहां से, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ग्राफ बड़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ग्राफ बड़ा है अलोंग विथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलोंग विथ प्रोबेबिलिटी, सॉरी, ठीक है। तो सारा है, कोई भी चैप्टर आप कीजिए, सब चैप्टर के माइक्रो कोर्सेज तैयार हैं, ठीक है, वेट है तो सिर्फ आपकी। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, 2646 का पूरा बंडल है आपके पास, बट अगर सिर्फ पजल टेस्ट करना चाहते हैं तो 245 रुपीज का है, 17 लेक्चर है बेटा, 17 लेक्चर, 7 वेब नोट, 270 क्वेश्चन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, जहां से तकरीबन हर साल क्वेश्चन आ रहा है ऐसा चैप्टर है रैंकिंग एंड ऑर्डर, कितना है, ऑलमोस्ट 130 रुपीज का, 6 लेक्चर है आपके पास, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, डायरेक्शन सिलोजिज्म, क्यूब एंड डाइस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज सब है, ठीक है। देखिए अगर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की आप बात करें, 1597 सोर्सेज है, 1597 413 का पूरा इंग्लिश का है आपका, जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको पता 100% है, ये तो आती आती है, प्लस वर्ड बिल्डिंग में, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब कई बार बच्चे कहते हैं सर एंटोनिम्स एनोनिम्स की क्या जरूरत है,
बेटा कई बार होता क्या है, वोकैबुलरी ऐसी हार्ड आ जाती है कि पैराग्राफ समझ में नहीं आता, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्लियर। तो 349 में सारा कॉम्प्रिहेंशन आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दो चीजें, माइक्रो कोर्सेज का लिंक है व्हाट्सएप का बता चुका हूँ, तीसरा फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने नंबर भी दिया हुआ शुरू में वीडियो के, तो उसमें कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, सो दैट वी कैन कोऑर्डिनेट। थैंक यू। तो पूरा एक साल का काम है, ध्यान रखिए। थैंक यू।